हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज हम बनाने वाले हैं एक मिनी टेस्ला कॉइल। और यार ये जो है काफी ज्यादा पावरफुल है और इसको मैंने बनाया है यहाँ पर मॉस्किटो रैकेट मशीन के द्वारा, जो आप सभी ने देखा होगा कि इस टाइप से मच्छरों को मारते हैं पटापट पटापट, उसी के द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया है। और इसके लिए आप सभी को कुछ भी अलग से कोई ट्रांजिस्टर नहीं लाना है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लाना है, कोई भी मॉस्फेट नहीं लाना है, आपको सारा का सारा सर्किट इसी के अंदर मिल जाएगा और इसी के द्वारा हम यहाँ पर बनाने वाले। और यार काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी शानदार तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी को एक काम करना होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, क्योंकि यार हम तो हमारा सब काम करते हैं लेकिन आप अपना काम नहीं करते हो अच्छी तरीके से। आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, तो यार फटाफट से कर दीजिए आपका काम भी, अब चालू करते हैं हमारा वाला काम। चलते फटाफट से स्टूडियो के अंदर, चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ एक प्लास्टिक पाइप और आप देख सकते हो कि इसकी जो लंबाई यहाँ पर 17 सेंटीमीटर की और नल फिटिंग में जो यूज़ में आता है उसी टाइप का एक पाइप है। इसके बाद यहाँ पर मैं 35 गेज का एक वायर यूज़ करूँगा जो कि आपको वाइंडिंग शॉप पर ईजिली मिल जाएगा। ये फंके की वाइंडिंग में यूज़ में लिया जाता है तो आपको इसका यूज़ में लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो पाइप है इसके ऊपर यहाँ पर इसको राउंड 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 हमें घुमा के इसकी वाइंडिंग करनी होगी, कोयल बनानी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, मैं थोड़ा वायर बाहर में निकाल लेता हूँ, मतलब लगभग आप 15-16 सेंटीमीटर इसको बाहर निकाल लीजिए इसका मुंह। और उसके बाद यहाँ पर इसका सिरा रखने के बाद इसे टेप से हम चिपका देंगे इस टाइप से, ताकि यहाँ से निकले नहीं, हिले नहीं। आप टेप की जगह पर यहाँ पर सुपर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से चिपकाने के बाद में इस पाइप के ऊपर राउंड 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 इस टाइप से गोल गोल घुमाने वाला हूँ। तो फाइनली आपको ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर जो आप राउंड राउंड उसमें घुमाओ तो बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल ध्यान से काम करना होगा, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फटाफट से इसको निपटा लेते हैं अपने यहाँ पर। तो गाइस, फाइनली हमारा यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है वाइंडिंग। और आप देख सकते हो कितनी फाइन तरीके से मैंने इसके ऊपर वाइंडिंग की है। और आपने देखा है कि यहाँ पर जो लास्ट वाला सिरा है उसके यहाँ पर मैंने सुपर ग्लू से इसको चिपका दिया ताकि ये लीकेज ना हो यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो आप देख सकते हो लास्ट वाला जो सिरा है और जो फर्स्ट वाला सिरा है, दोनों तरफ मैंने यहाँ पर थोड़े वायर को लंबा लंबा छोड़ दिया है। ठीक है, ये क्यों छोड़ा है आपको आगे पता लग जाएगा। अब हमारा मॉस्किटो रैकेट जो है वो हम यहाँ पर लेंगे और आप देख सकते हो कि ये जो रैकेट है चालू वाला रैकेट होना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत टूटा फूटा होगा, बॉडी टूट रही होगी तो भी हमारा वर्क कर जाएगा। हो सकता है कि आपकी जो जाली वाली टूट फूट गई और अगर आप इसे कबाड़े में डाल देते हो तो भी आपका ये वर्क कर जाएगा, बस इसका सर्किट जो है वो चालू होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसका सर्किट जो है हम यहाँ पर यूज़ में लेने वाले हैं। तो ये जो है काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको सर्किट बनाना नहीं आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका जो सर्किट है इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। आपको कौन से वायर निकालने मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि बैटरी चार्ज करने के लिए 220 वोल्ट का जो सप्लाई जा रही है इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, हमारी चार्जिंग में काम आने वाली बाद में। अब यहाँ पर जो हमारी जाली लगी हुई है, यहाँ पर तीन जाली लगी हुई है, एक लेफ्ट, एक राइट में और एक बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे सर्किट के अंदर एक बीच वाली जो जाली है उसका एक रेड वायर लगा है और लेफ्ट राइट वाली जो जाली उसके दोनों वायर को एक पॉइंट पे लगाया है, मतलब कुल मिलाकर दो पॉइंट है यहाँ पर। तो दो वायर को एक पॉइंट पर कनेक्ट किया और एक वायर को एक पॉइंट पर कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वायर को हम यहाँ पर हटा लेंगे अभी। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो वायर और एक्स्ट्रा लगे हुए हैं हमारे रैकेट के अंदर। ये वाले जो वायर है ये हमारे लाइट के वायर है, अगर आपके रैकेट के अंदर लाइट नहीं है तो आपको ये वाले वायर नहीं मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो ये वायर दिख रहे हैं 220 वोल्ट के, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ इनको। अगर आपको बैटरी चार्ज करनी है, अगर लंबे समय तक चलाना है आपको, तो उसके लिए इन वायर को आप लंबा रख सकते हो और 220 वोल्ट में डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। ठीक है, आपको चार्जिंग अलग से बैटरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो सर्किट है हमने पूरा निकाल लिया इस टाइप से। अब इसके अंदर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है और दो वायर जो हम आगे साइड में कनेक्ट करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक MDF बोर्ड का मैं पीस ले रहा हूँ और चार लकड़ियों के यहाँ पर पीस लेने वाला हूँ। इससे हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स अपने हिसाब से बना सकते हो, आप कोई कंपोक्स बॉक्स भी ले सकते हो प्लास्टिक वाला, या फिर टिफिन बॉक्स भी ले सकते हो, उसके ऊपर भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो फाइनली यहाँ पर बॉक्स मैंने पूरा कंप्लीट बना लिया है और अब यहाँ पर मैं एक वायर लूँगा मोटा वाला।
हमारे घर के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसी टाइप का मैं वायर लेने वाला हूँ यहाँ पर। और इसको यहाँ पर हमें 4 टन लेने, 4 से 5 टन लेने, ठीक है, 4 भी ले सकते हो 5 भी ले सकते हो। तो हमें नीचे की साइड में लेने होंगे इन टर्न्स को और उसके बाद इसे सुपर ग्लू से चिपका देंगे हम इस टाइप से। और यहाँ पर जो दोनों इसके फर्स्ट वाला मुँह और लास्ट वाला जो मुँह है इसका वायर का, उनको चिपका कर हम नीचे की साइड में मोड़ देंगे इस टाइप से फाइनली। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो बॉक्स है इसके ऊपर की साइड में एक होल करना होगा ताकि हमने जो वायर लगाया ब्लैक कलर का उसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे दोनों वायर को। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो जो कोयल है ये ऊपर की साइड में सेट हो जाएगी हमारी यहाँ पर। और इसको चिपकाने के लिए सुपर ग्लू से हम चिपका देंगे, ग्लू गन से आप चिपका सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक केप ले रहा हूँ, कोको कोला का केप या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक का केप ले सकते हो। और यहाँ पर इस टाइप के नट्स बोल्ट में ले रहा हूँ और इनके अंदर करंट हमारा पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कलर वाला आप ले लो। और इन दोनों को इस टाइप से हमें कनेक्ट करना है कि इनके बीच में हल्की सी गैप हो जानी चाहिए। अब हमारा जो सर्किट दिख रहा है आपको, सर्किट में यहाँ पर दो पॉइंट ऊपर की साइड में हमने जो वायर डी सोल्डरिंग करे थे वहाँ पर हमें इन वायर को कनेक्ट करना है जो हमारे ब्लैक कलर के। तो अब यहाँ पर आप लेफ्ट में लगा सकते हो, राइट में लगा सकते हो, कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन हमें सबसे पहले एक वायर को कनेक्ट करना है डायरेक्टली और दूसरे वाले पॉइंट में एक अलग से वायर कनेक्ट करना है। और उस वाले वायर को हमारे जो हमने केप लिया था जिसके अंदर दो नट बोल्ट से लगाए थे उसके थ्रू हमारे वाइंडिंग के अंदर जाना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जो दो वायर आ रहे थे हमारे वाइंडिंग के अंदर से ब्लैक वाले, उन दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, लेकिन एक को हमने बीच में से कट करके जिसे हम स्विच कनेक्ट करते हैं उसी टाइप से यहाँ पर हमारा ढक्कन वाला जो है केप वाला है उसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसे सुपर ग्लू के द्वारा या फिर हमारे ग्लू गन के द्वारा अंदर बिल्कुल वायरिंग फिट कर देता हूँ। पूरा सर्किट मैंने फिट कर दिया है, देख सकते हो हमारा सर्किट यहाँ पर फिट हो चुका है, बैटरी यहाँ पर फिट हो चुकी है, हमारा केप जो है यहाँ पर फिट हो चुका है और वायरिंग मैंने इसके अंदर इस टाइप से चिपका दी है। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो स्विच है हम इस टाइप से इसको ऑन कर देंगे, यहाँ पर इसको हम किसी पेचकस वेचकस के द्वारा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक बटन और इसके अंदर जो पुश बटन है इसको हम इस टाइप से दबा के रखेंगे तब हमारा चालू होगा। तो इसका भी हम यहाँ पर एक जुगाड़ लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे। तो जैसे इसको हम दबाते हैं यहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट बनता है हमारे इस ढक्कन के अंदर, केप के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, नट बोल्ट जो है वो आपको बिल्कुल पास में नहीं रखने, टच नहीं करने, हल्के से बीच में गैप रहनी चाहिए ताकि स्पार्किंग बन सके। अब हमारे जो स्विच है इसको हम दबा के तो नहीं रख सकते बार बार, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इसके सामने की साइड में एक होल किया है और एक यहाँ पर नट बोल्ट ले लेता हूँ मैं इस टाइप का। और इसको यहाँ पर इस टाइप से कस देंगे हम इस लकड़ी के अंदर ताकि ये हमारा जो पुश बटन है इसको पुश कर देगा और ये हमारा लगातार चालू रहेगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से पुश करता हूँ, गोल घुमाता हूँ, तो इसको पुश करता है और हमारा यहाँ पर चालू हो जाता है पूरा सर्किट। तो देख सकते हो कितना आसानी से काम कर रहा हो, काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमारे जो पूरी टेस्ला कॉइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसको ऊपर के यहाँ पे एक बॉल बनाना होगा हमें। तो इसके लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। आप सभी ने देखा ही होगा कि हमारे घर में मम्मी जो है खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ में लेती है। तो हर किसी के किचन में ईजिली मिल जाएगा। अगर आपके किचन में यूज़ में नहीं लिया जाता है तो आप किसी किराने की शॉप से खरीद सकते हो, इसको आपको आसानी से मिल जाएगा वहाँ पर। ये 20-30 रुपए का आपको पैकेट मिलेगा। अगर आपको टुकड़ा मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। या फिर कोई लोहे की बोल जो होती है उसका आप यूज़ कर सकते हो, लोहे की बड़ा छर्रा जो होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और इस टाइप से यहाँ पर लगाने के बाद इसको हम हमारी जो टेस्ला कोयल है उसके ऊपर की साइड में फिट कर देंगे। तो फाइनली अब यहाँ पर जो हमने वायर को लंबा छोड़ा था ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, तो ऊपर वाला जो वायर है इसको हम थोड़ा छील लेंगे चाकू के द्वारा क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होती है एक। और इसको छीलने के बाद क्या करना होगा, हमारी जो बॉल है इस बॉल के नीचे की साइड में आटी लगानी होगी। इसके अंदर हम सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्डरिंग करने के लिए हमें अलग से एक पेस्टर मंगवाना पड़ेगा जो कि हमारा एल्यूमिनियम के अंदर सोल्डरिंग करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, लेकिन वो इजीली आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आप इस टाइप से आटी लगा सकते हो, काफ़ी सिंपल है, सस्ता वाला हो जाएगा हमारे। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लगाने के बाद इसको हमारे सुपर ग्लू से या फिर ग्लू गन के द्वारा अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने इसको चिपका दिया है। अब हमारी टेस्ला कोयल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर हमारे कोई भी ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे है, बस हमने एक सर्किट लगाया है और इसकी पूरी एक वाइंडिंग की है। अब हम नीचे वाला जो वायर दिख रहा है आपने जो छोड़ा था, इस वाले वायर को हमें अभी हाल साइड में रखना है, इसको कट नहीं करना है। ये कहाँ पर काम आएगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे इसको हम चालू करेंगे, तो चालू होते से हमारे क्या है कि यहाँ पर हमारे टेस्ला कोयल में हमारी स्पार्किंग की आवाज़ आने लगेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो हम उंगली लगाते हैं इसके पास में, तो हल्की हल्की सी हमारी स्पार्किंग हमारे उंगली के ऊपर आएगी, जैसे टेस्ला कोयल जो स्पार्किंग करती है उसी टाइप से यहाँ पर ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाली है। तो आप जैसे देख सकते हो मेरी उंगली के ऊपर यहाँ पर हाई वोल्टेज निकल रहा है, और अगर आप इसके यहाँ पर उंगली टच करोगे तो आपको ज़्यादा करंट का झटका नहीं लगेगा, हल्का हल्का महसूस होगा, बहुत हल्का हल्का।
लेकिन अगर आप बच्चे हो तो आप टच मत करना, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लग गया तो आप रोने लगोगे। बच्चे जो होते हैं रोने लगते हैं बहुत जल्दी। लेकिन क्या है कि ये ज़्यादा करंट भी नहीं लगता, लेकिन ये क्या है कि रात में चमकता है और स्पार्किंग क्रिएट करता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर इसकी खास बात ये होती है टेस्ला कॉइल की, जैसे इसके पास में हम जैसे कि ट्यूबलाइट जो होती है हमारी पुरानी टाइप की या फिर CFL बल्ब जो होता है उसको पास में ले जाते हैं, तो इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो यहाँ पर हमारी चमकने लगती है। हमारा CFL बल्ब नहीं चल रहा है यहाँ पर, इसके अंदर जो गैस है वो चार्ज होती है और यहाँ पर रोशनी क्रिएट करती है। तो जैसे देख सकते हो CFL बल्ब इसके पास में ले जाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये चलना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि 100 वाट का जो बल्ब होता है वो हम यहाँ पर लेंगे, और हमने जो एक नीचे की साइड में वायर को छोड़ा था, मैंने आपसे बोला था कि इसको कट नहीं करना, मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा। तो इसको यहाँ पर हमारे जो 100 वाट का बल्ब है इसके यहाँ पर सप्लाई जो आती है वहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे इस टाइप से, और इस वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग करने के बाद बिल्कुल नीचे से अटैच रखना है, जैसे कि हमने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे टेस्ला कॉइल को चलाएंगे और उसके बाद आप देखना मैजिक। आपको यहाँ पर जैसे कि आसमान में जो बिजली कड़कती है उसी टाइप की यहाँ पर हमारी बिजली दिखेगी, और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो है कलर वाली लाइट आपको दिखेगी, जैसे आप देख सकते हो बैंगनी कलर की आपको यहाँ पर लाइट दिख रही है, जैसे आसमान में जो आकाश में बिजली होती है उसी टाइप की यहाँ पर दिख रही है। और भाइयों आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर ये जो बिजली कड़क रही है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिख रही है। और हमारी जो टेस्ला कॉइल है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, मतलब इसके अंदर हमने ना तो कोई बाहर से कोई ट्रांजिस्टर लगाया, ना कोई हमने MOSFET लगाया, ना कोई इसके अंदर रेजिस्टेंस लगाया, ना कोई कैपेसिटर लगाया, कोई भी वायरिंग नहीं की हमने ज़्यादा इसके अंदर। बस हमारा जो मॉस्किटो रैपिड जो था उसका हम यहाँ पर यूज़ में लिया है और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसे बना लिया है। तो काफ़ी आसानी से हमारी बन के तैयार हो चुकी है, और देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर 100 वाट का बल्ब हमारा। ओ अभी हाल देखा आप सभी ने कि कितनी शानदार तरीके से हमारा यहाँ पर टेस्ला कॉइल काम कर रहा है, और काफ़ी आसानी के साथ बन के भी तैयार हो चुका है। इसके अंदर कोई बाहर से मैंने ट्रांजिस्टर नहीं लगाया, कोई MOSFET नहीं लगाया, सारा का सारा सामान उसके अंदर से निकल गया था, पूरा किट उसके अंदर से निकल गया था, बस हमें थोड़ा बहुत वायरिंग करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगती है आप सभी के लिए काम करने में, आपको भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए हमारे सभी के लिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।